जैसा कि हम लोग पहले प्रश्नावली 2.2 तक पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, अब हम लोग प्रश्नावली 2.3 में कुछ प्रश्नों को हल कर देखते हैं। जैसे आपका प्रश्नावली 2.3 में चौथा नंबर का क्वेश्चन जो है वह है x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। पूर्व के कक्षाओं में हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ चुके हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी को आधार मानते हुए इस प्रश्नों का हल किया जाए। तो x प्लस 4 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 9। इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 x स्क्वायर माइनस 10x प्लस, अब यहाँ पे ध्यान रखना है सर बच्चा कि क्या कहते हैं, या माइनस के बाद हम लोग इसको ब्रैकेट में क्यों रखे हैं? तो माइनस के बाद ब्रैकेट में इसलिए रखते हैं क्योंकि उसका साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो जब भी माइनस के बाद एक टर्म से ज्यादा होगा तो उसको ब्रैकेट में रखिएगा। अब x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस प्लस माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 10x माइनस प्लस माइनस 25 इक्वल्स टू 9। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर में से x स्क्वायर यह चला जाएगा, माइनस होगा तो यह क्या हो जाएगा, कैंसिल यानी शून्य हो जाएगा। फिर 8x प्लस 10x 18x फिर 16 माइनस 25, तो 16 में से 25 यह विपरीत साइन है इसलिए इसको क्या करेंगे, घटाओ, और यह 9, और जिसको जो ज्यादा होता है उसी के साइन को हम लोग लिखते हैं, यह हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इक्वल्स टू 9। 18x और यह पक्षांतर करेंगे तो 9 प्लस 9 यानी 18x इक्वल्स टू 18x इक्वल्स टू 1। 18 और 18 यह नीचे चला गया डिवाइड में, तो 18 को 18 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 1। इसका कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी तरह से थोड़ा और टिपिकल क्वेश्चन जो 9 नंबर है, 15 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 5 प्लस 6 प्लस 2, अब इसको हम लोग गुणा करेंगे तो 13 माइनस 15x माइनस 5x और क्या कहते हैं 5 प्लस और 6 है तो 5 6 जा 30 30 माइनस 15x फिर माइनस प्लस माइनस 5x माइनस प्लस माइनस 30 इक्वल्स टू, और यह 1 माइनस 3x जो यहाँ पे क्या कहते हैं इधर इक्वल्स टू 6 है, हम लोग क्या करेंगे तिर्यक गुणा करेंगे तो 6 इंटू 1 माइनस 3x और 6 माइनस 18x हो गया माइनस। अब यहाँ पे देखिए बच्चों कि 30 और 30 माइनस हो गया शून्य, और माइनस 15x माइनस 5x ये कितना हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा लेकिन साइन माइनस का, 20x फिर 6 माइनस 18 माइनस 18x जब पछहत्तर करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 18x माइनस 20x इक्वल्स टू 6 माइनस 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6, x इक्वल्स टू सॉल्व करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। और उसके बाद और आगे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में क्या है कि दो अंकों की संख्याओं पर आधारित है, जैसे दो अंकों की संख्या 23 होता है, इसको हम लोग विस्तारित रूप में कैसे लिखते हैं 2 × 10 + 3। उसी तरह से जब इस अंकों को हम लोग क्या कर देते हैं, स्थान उसका बदल देते हैं तो 32 हो जाएगा, तो उसको इस तरह से 3 × 10 + 2 लिखेंगे। इसी के आधार पर यह क्वेश्चन को दिया गया है कि दो अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है, यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, वह संख्या बढ़ जाए। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद हम लोग यह देखते हैं कि क्या है कि इकाई अंक का तिगुना, तो मान लेंगे हम लोग इकाई अंक कितना है, 1 है, उसका तिगुना कौन है, दहाई अंक, तो दहाई अंक इक्वल टू क्या हो जाएगा, तिगुना यानी 3
इंटू एक्स यानी 3x। अब संख्या क्या होगा दो अंकों की, तो 10 और दहाई की जगह पे, जैसे यहां पे देखिए दहाई की जगह पे कितना था 2, तो यहां पे 2 में क्या किए 10 से गुना, तो दहाई का संख्या कौन है 3x, 3x को 10 से गुना किए और इकाई इनको प्लस कर दिए, यह कितना हो गया 31x। अब अंकों का स्थान बदल दिए, यानी अब क्या हुआ इकाई अंक 3x हो जाएगा और दहाई अंक x हो जाएगा, तो दहाई अंक को x कर दिए और क्या कहते हैं इकाई अंक 3x 13x। अब प्रश्न में कहता है कि क्या कहते हैं कि प्राप्त संख्या यानी जो हमने यह प्राप्त किया यह संख्या मूल संख्या से, आपका मूल संख्या कौन हो गया 31x, तो 31x इक्वल्स टू 13x प्लस 36। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 31x माइनस 38x इक्वल्स टू 36, 18x इक्वल्स टू 36, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 18 टू जा 36 तो 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अभीष्ट संख्या जो आपका संख्या था 31x, तो 31x इक्वल्स टू 31 और x का वैल्यू आया 2, तो 31 इंटू 2 इक्वल्स टू क्या हो गया 62, यानी यही आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देंगे देखिए इकाई अंक 2 है और 2 का क्या है तिगुना कौन है 6 है, अर्थात हम लोगों का संख्या जो है वह 62 प्राप्त होगा। अब बच्चों इसके बाद आप लोग अपने घर में अभ्यास करेंगे 2.3 का बाकी जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को आप लोग हल करने का प्रयास करें। धन्यवाद।